आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ का एक और टॉपिक ट्रायंगल, एक और चैप्टर ट्रायंगल, सॉरी टॉपिक होगा इसमें कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पहले भी इस वर्ड को सुन चुके हैं, तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जिसमें तीन एंगल तीन साइड होती है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, इतना आपको मालूम है। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, दो ऐसे फिगर, दो ऐसे शेप्स जो सेम हो, हर तरीके से सेम हो। मतलब कि जैसे कि मैंने ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है, तो अभी हम लोग ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, और इसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल ये बना है, ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है? तो अगर ये ट्रायंगल पूरी तरह इसको छिपा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर है, ये मार्कर दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये मार्कर है और ये मार्कर है, दोनों मार्कर एक दूसरे को अगर ओवरलैप करके एक के ऊपर एक होके अगर एक दूसरे को छिपा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी, या फिर दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, मतलब दो ऐसे शेप जो एक दूसरे को छिपा सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी होगा। ठीक है, जैसे कि ये है सेम टाइप के मार्कर, साइज सेम है, ठीक है, और जो है रेडियस सरफेस सब कुछ सेम है, एरिया भी सेम है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की खास बात यह कि अगर दो फिगर ऐसे हैं, ठीक है, और एक फिगर उसके ऊपर ऐसे बना है सेम फिगर, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा कि साइड इक्वल होंगी, एंगल इक्वल होंगे, सब कुछ इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। दो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट फिगर इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या अगर ऐसे फिगर बना है, ऐसे फिगर बना है, ठीक है, तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपकी साइड इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ओवरलैप करें, इसको ऐसे घुमा के रख देंगे, सिंपल, जरूरी थोड़ो ना कि उसी तरह से अलाइन फिगर हमें मिले, हमें जो है प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी होती कितनी तरह की है, कॉन्ग्रुएंसी कितनी तरह की होती है, कितने टाइप की होती है, तो देखिए हम जो है यहां पे कॉन्ग्रुएंसी की टाइप देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप की हो सकती है, ये देखिए कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कितने टाइप से हो सकते हैं, पहले चीज कि मान लीजिए दो हमारे पास ट्रायंगल है ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी, इसमें क्या है, ये साइड इक्वल है इसके, ओके, ये साइड इक्वल है इसके, ठीक है, और ये जो एंगल है, या एक एंगल, कोई भी एक एंगल, जरूरी नहीं यही एंगल, आप ये गिवन एंगल नहीं, मतलब दो जिन दो साइडों के बारे में पता है उनके बीच का एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है, एक एंगल इक्वल है, तो इस केस में क्या हमें पता है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी किस तरह की होगी, साइड एंगल साइड, ठीक है, अगर हमें साइड दो ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, अगर ऐसे हमें जो है दो चीजें तीन चीजें इक्वल दी गई हैं, साइड एंगल साइड इक्वल दी गई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एस ए एस, ठीक है, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये ट्रायंगल जो ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी के,
ठीक है, कांग्रेसी का साइन देख लीजिए इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। और कांग्रेसी में एक एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, बहुत आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे इस वजह से, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी मिनिमम, आपको एक बात याद रखिएगा, मिनिमम से मिनिमम तीन चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल इक्वल करने हैं, ठीक। तो यहां पे आपका इस तरह से एस ए एस कॉन्ग्रेंसी पहली कॉन्ग्रेंसी होगी, ठीक है। क्या होगी, एस ए एस, एस का मतलब साइड, एंगल का मतलब एंगल। उसी तरह से सेकेंड टाइप की कॉन्ग्रेंसी क्या हो सकती है, हमें दो एंगल पता है, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल इक्वल गिवन है, ये एंगल इक्वल गिवन है, और एक साइड गिवन है, एक साइड इक्वल बताई गई है, ठीक है, कौन सी, ये वाली और ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो उस केस में क्या होगा, ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये पता चल गया आपको। यहां पे आपकी कॉन्ग्रेंसी कौन सी लगेगी, ए एस ए, ठीक, यहां पे आपकी कॉन्ग्रेंसी लगेगी ए एस ए। कोई भी एक दो एंगल, एक साइड इक्वल है अगर दो ट्राइंगल्स में, तो वो ट्राइंगल पूरी तरह कॉन्ग्रेंट होगा दूसरे के, ठीक है। तो आपको पता चली। एक तीसरे टाइप की कॉन्ग्रेंसी हम लोग देख लेते हैं, कौन सी होगी, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्या होगी, कि आपको ये भी साइड इक्वल गिवन है इसके, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये साइड इसके इक्वल गिवन है, तो तीन साइड आपको दी और कुछ नहीं, तो भी ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। अगर साइड एंगल साइड मतलब एक साइड दो एंगल दिए, एक एंगल दो साइड दिए, तो भी इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल। अगर दो एंगल एक साइड दिए, तो भी इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल, और तीनों साइड दिए तो भी इक्वल होगा। अब एक कॉन्ग्रेंसी आप सोच रहे होंगे, एंगल 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 मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तो क्या कॉन्ग्रेंसी होगी, नहीं, तीनों एंगल के बेसिस पे कभी कॉन्ग्रेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल आपका ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये है, ठीक, आप बना के चेक करेगा, इसमें भी ये 30 डिग्री हो सकता है, ये हो सकता है 40, ये 90 डिग्री ले सकते हैं, ये 60 डिग्री ले सकते हैं, और इसमें भी ये 90 डिग्री 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो सकता है। रेशियो में बड़े हो छोटे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हो सकते हैं, पर उनका शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर तीनों साइड गिवन है, दोनों ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो डेफिनेटली वो एक यूनिट ट्राइंगल होगा, ठीक है, तीन साइड से एक ट्राइंगल बनने वाला यूनिट ट्राइंगल होगा, मतलब दोनों ट्राइंगल सेम ही बनेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी भी हो सकती है आपकी। अब एक और तरह की कॉन्ग्रेंसी है आपकी चैप्टर में, वो है आपकी क्या, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। आरएचएस, अब आरएचएस का मतलब क्या होता है, ये तो आपको नाम से पता चल गया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। इसका फुल फॉर्म जो होता है राइट एंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को ऐसे लिखते रहे, और एस का मतलब साइड, ठीक है। मतलब ये आरएचएस कॉन्ग्रेंसी जो है, उसमें एक एंगल दोनों ही ट्राइंगल में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये क्या है 90 डिग्री अल्टीट्यूड, आइसोसेलस ट्राइंगल है, इसलिए ये साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो ये साइड थर्ड साइड हो जाएगी। तो इस केस में ए बी सी और ये ओ कर दिया, तो क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आइडेंटिकल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल। हाइपोटेनियस ये वर्क करेगा, इसके इक्वल है दोनों के, दोनों साइड के, ये भी 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस का हो जाएगा और साइड का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आरएचएस इसको बोलते हैं, तो आरएचएस कॉन्ग्रेंसी इस टाइप की होती है, ठीक है।
आपको बता दिया पहले कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी कोई नहीं होती है, ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी नाम की चीज नहीं होती है, तो वो दिमाग से हटा दीजिएगा। बाकी आपकी ये चार तरीके की कॉन्ग्रेंसी हो सकती है। कॉन्ग्रेंसी के बारे में इतना ही था, आगे हम लोग इसके बेसिस पे कुछ प्रूविंग्स हैं, ज्यादातर प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि काफी बेसिक से स्टार्ट किया है। जो पिछले क्लासेस में था या फिर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर मैं दे दूंगा लिंक उसका, तो आपको ट्रायंगल के बेसिस पे समझ में आ जाएंगे कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। और कॉन्ग्रेंसी का जो पिछला पार्ट था जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।